चलो बच्चों, मैथ्स वन में हम लोग लॉजिक पे थे बच्चों, तो स्टडी वी डिड द 1.1 बच्चों, ओके ना। 1.1 में खाली ओनली क्या करता है बच्चों, स्टेटमेंट है या नहीं बताना था। अभी 1.2 भी बहुत ईजी बच्चों, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द सिम्बॉलिक फॉर्म बच्चों, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द सिम्बॉलिक फॉर्म, सिम्बॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना बच्चों। यू नो ऑलरेडी बच्चों, और को किस तरह से शो करते बच्चों, और को वी बराबर ना बच्चों, और एंड को, एंड के लिए क्या बच्चों, अपोजिट वी ना, ये सिम्बॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं एक्सरसाइज वन का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ई इज अ वॉवेल और 2 + 5 = 2 + 3 = 5 बच्चों। द क्वेश्चन गिवन, ई इज अ वॉवेल और 2 + 3 = 5 ऐसा बच्चों। तो ई इज अ वॉवेल और 2 + 3 = 5 ओके। हाउ टू एक्सप्रेस दिस, टू स्टेटमेंट बच्चों, पहला क्या है ई इज अ वॉवेल और सेकेंड क्या बच्चों 2 + 3 = 5 तो ऐसा लिखने आप लेट। अगर बच्चों हम लोग लॉजिक चैप्टर में पी क्यू आर एस खाली स्मॉल लेटर में चार एलिमेंट्स का यूज़ करने वाले, ओके ना, ज़्यादातर केसेस में हम लोग पी क्यू आर एस का ही यूज़ करेंगे बच्चों, ठीक है, ए बी सी डी का नहीं। इन द लॉजिक में बच्चों मेजोरिटी जो हमारा ट्रेडिशन चलाया लॉजिक के लिए बच्चों, ओनली स्मॉल लेटर में पी क्यू आर एस का यूज़ करना है बच्चों। हाँ, सो लेट्स पी, पी क्या है इज अ वॉवेल एंड क्यू बच्चों 2 + 3 = 5 दिस इज वन स्टेटमेंट दैट इज अदर स्टेटमेंट। तो ये हो गया बच्चों पी और ये क्या हो गया क्यू, ठीक है बच्चों, और क्या यूज़ करना है और, देयरफॉर क्या हो गया पी और क्यू, हो गया हो गया, यस। खाली सिम्बॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना बच्चों। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पी, सेकेंड स्टेटमेंट क्यू है, और आर का साइन क्या था, ये आर का साइन है। सेकेंड दिया बच्चों मैंगो इज अ फ्रूट बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल। हाँ, अभी इसमें थोड़ा हंसी भी आएगा। हाँ, ये आपको अभी 12th पे पहुँच गए हो तो आपको मालूम पड़ा कि मैंगो इज अ फ्रूट है और पोटैटो वेजिटेबल बच्चों, तो लॉजिक में थोड़ा लाफ्टर भी होएगा। अब दो स्टेटमेंट क्या बच्चों, मैंगो इज अ फ्रूट और अदर वन इज अ पोटैटो इज अ वेजिटेबल बच्चों, दिस टू स्टेटमेंट, ओके बच्चों। तो लेट पी मैंगो इज अ फ्रूट एंड क्यू पोटैटो इज अ वेजिटेबल। मैंने लॉजिक का बच्चों सेकेंड जब सेशन चल रहा था अपना, तो मैंने एक चार्ट दिया था बच्चों, उसमें सब डायग्राम भी दिया था आपको, सिम्बॉलिक फॉर्म एक्सप्रेशन, उसका नाउन फॉर्म बोला था बच्चों, फिर आपको मैंने वेन डायग्राम और सेट भी बताया था पूरा, उस पर बताया था बच्चों बट के लिए क्या है, बट के लिए एंड यूज़ करते बच्चों, ऐसे बच्चों येट बट ये सब के दो इंस्पाइट ऑफ, तो उसके लिए बट अप्लाई, बट के लिए एंड है बच्चों, ठीक है। तो क्या जाएगा पी एंड क्यू, बस तो खाली ओनली दोनों स्टेटमेंट को पी और क्यू में एक्सप्रेस कर दो, और बट है बट के लिए क्या यूज करते बच्चों एंड, और था तार के लिए साइन था बच्चों, बस देन दिया बच्चों मिल्क इज वाइट और ग्रास इज ग्रीन। अब मिल्क इज वाइट और ग्रास इज ग्रीन बच्चों, तो मिल्क इज वाइट क्या करें बस को, मिल्क इज वाइट पी, ग्रास इज ग्रीन क्यू, पी और क्यू बच्चों हो जाएगा ये। तो मैं थर्ड नहीं कर रहा बच्चों, आई विल डू द फोर्थ। आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग, तो आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग बच्चों। अब दो स्टेटमेंट क्या बच्चों, आई लाइक प्लेइंग और उधर दिया बच्चों बट नॉट सिंगिंग है बच्चों, तो आप कर सकते पी, लेट पी आई लाइक सिंगिंग
आई लाइक प्लेइंग सर बच्चों एंड क्यू आई डोंट लाइक सिंगिंग मैंने नेगेटिव लगाया बच्चों बिकॉज क्या था जब पे नॉट सिंगिंग दिया ना इट्स आई डोंट लाइक सिंगिंग बच्चों तो क्या आ जाएगा पी और बट के लिए क्या बच्चों एंड कुछ लोग ऐसा करते हैं बच्चों और ये आंसर को ना बच्चों हम लोग और एक अदर वे में लिख सकते हैं पी मीन्स आई लाइक प्लेइंग ओके बच्चों क्यू मीन्स आई लाइक सिंगिंग यहाँ आपने क्या किया आई डोंट लाइक सिंगिंग डायरेक्ट बच्चों पी स्टेटमेंट यहाँ आपने क्या किया पी आई लाइक सिंगिंग क्यू आई लाइक प्लेइंग एंड देन सिंगिंग बच्चों ओके बच्चों तो क्या करते हैं हम लोग पी बट के लिए क्या बच्चों एंड लेकिन इधर क्यू क्या आएगा ऐसा लिखता मतलब क्या हुआ बच्चों पी मीन्स वट आई लाइक प्लेइंग बट क्यू मीन्स आई लाइक सिंगिंग तो यू लाइक द बोथ इधर उन्होंने क्या बोला था बट नॉट सिंगिंग नॉट नॉट के लिए मैंने कुछ बताया था बच्चों निगेशन तो वी कैन राइट द निगेशन क्यू बच्चों इसका मतलब क्या हो गया बच्चों P, I like singing, but ए not ए negation का मतलब क्या होगा बच्चों not singing, opposite ना बच्चों तो singing, I like singing, तो इसका negative कर दिया तो क्या गया not singing, तो दोनों आंसर राइट है बच्चों अगर आपने P को negative sentence assume कर लिया ऑलरेडी बच्चों तो ये आंसर आएगा P को मैंने वहाँ पे Q को मैंने वहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस assume किया बच्चों तब यहाँ पे negative करना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन उधर negative बच्चों तो आपका दोनों चॉइस है बच्चों आंसर लिखने का ठीक है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ क्वेश्चन आपने बोला आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग बच्चों समवन थिंक करें सर आई लाइक प्लेइंग आई डोंट लाइक सिंगिंग तो ये आंसर राइट है कुछ लोग बोले सर आई लाइक प्लेइंग आई लाइक सिंगिंग ओके आपका एग्जाम्पल था बच्चों द पी बट उधर क्या क्वेश्चन नॉट सिंगिंग आपने इधर क्यू को क्या लिखा है आई लाइक सिंगिंग तो नॉट सिंगिंग के लिए अपोजिट करना पड़ेगा तो नेगेटिव क्यू ठीक है बच्चों देने बच्चों इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग इवन दो It is cloudy. It is still raining. चलो अब बच्चे इसमें क्या है इवन दो है इवन दो इवन दो के लिए क्या लिख के दिया बच्चों एंड सोचो तो दो सेंटेंस कौन से हैं पहले एक तो इट इज क्लाउडी और सेकेंड नंबर इट इज रेनिंग बच्चों दैट इज टू सेंटेंस बच्चों सो लेट पी इट इज क्लाउडी क्यू इट इज रेनिंग बच्चों तो फर्स्ट सेंटेंस पी इट इज अ क्लाउडी एंड सेकेंड रेनिंग बच्चों और इवन दो के लिए भी क्या बच्चों एंड है तो पी एंड क्यू इसलिए वो जो चार्ट सेकेंड सेकेंड चार्ट है बच्चों उसको कंप्लीट अच्छे से याद करो हाँ और जो फर्स्ट सेकेंड कॉलम में लिख के दिया हूँ एंड के लिए और क्या क्या वर्ड इज और के लिए क्या है बच्चों इवन दो के लिए क्या है वो सब आपको रेडी करना है ठीक है बच्चों ये हो गया बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर वन हो गया अभी इसमें मैंने थर्ड किया हूँ बच्चों वो आप करोगे ओके चलो क्वेश्चन सेकेंड में राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बच्चों अर्थ इज अ प्लानेट अ मून इज अ स्टार फर्स्ट क्वेश्चन के बच्चों अर्थ इज अ प्लानेट इज अ प्लानेट एंड मून इज अ स्टार बच्चों क्वेश्चन अब अपने को इस पर ट्रुथ वैल्यू चाहिए ट्रुथ वैल्यू तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अर्थ इज अ प्लैनेट ट्रू है कि फॉल्स है बच्चों ट्रू है
बच्चो एंड के लिए साइन है बच्चो, और मून इज अ स्टार बोल रहा है, इज इट दैट, मून इज अ सैटेलाइट बच्चो, मून इज नॉट अ स्टार, सन इज अ स्टार बच्चो, सन सन की चारों साइड पे कौन राउंड मारता है, रिवॉल्यूशन होता है बच्चो अर्थ का ना, प्लैनेट्स, एंड फिर अर्थ के भी चारों तरफ कौन जाता है, मून, तो अर्थ इज अ सैटेलाइट, ओके, सन इज अ स्टार, अर्थ इज अ प्लैनेट एंड द मून इज अ सैटेलाइट। सैटेलाइट मतलब बच्चों उपग्रह, ओके, रिमेंबर, तो मून इज अ स्टार, तो क्या होगा बच्चों, इज इट ट्रू फॉल्स है बच्चों। अब बच्चों टी एन एफ आया, कुछ याद करो, इसलिए सेकंड जो चार्ट अपना बच्चों, पहला जो चार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। मैंने आपको क्या बोला था, और के लिए ऑल फॉल्स बोला था, और आएगा तो ऑल फॉल्स, मतलब एफ एफ तो फिर एफ आएगा कि ना, और एंड के लिए क्या बोला था, ऑल ट्रू बोला था बच्चों, ऑल ट्रू, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू। आ जाएगा जो चार्ट आज जाकर देखना फिर से बच्चों, ऑल फॉल्स के लिए तो है, और वाले में और फॉल्स था, एंड वाले में ऑल ट्रू था, ऑल ट्रू मतलब दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू रहेगा बच्चों, ओके, तभी क्या आएगा बच्चों आंसर, फॉल्स, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। समझे बच्चों कैसे हुआ, अपना चार्ट में था एंड के लिए ऑल ट्रू, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, फॉर एंड ऑल ट्रू, अपना कोड वर्ड था बच्चों, ओके, फॉर एंड ऑल ट्रू, अच्छा। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों, 16 इज ए इवन नंबर एंड 8 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 16 इज एन इवन नंबर एंड 8 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ओके बच्चों, तो फर्स्ट क्या है, 16 इज ए इवन नंबर, इवन नंबर मीन्स अ नंबर विच डिवाइडेड बाई टू, दो से कट रहा बच्चो, अ नंबर विच डिवाइडेड बाई टू, इट इज कॉल्ड इवन नंबर, दैट्स ट्रू, राइट है, बट 8 इज ए परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग, 4 का रूट कितना बच्चो 2, 9 का रूट 3, 16 का रूट 4, जिसका रूट कंप्लीट मिलता है बच्चो उसको बोलते हम लोग परफेक्ट स्क्वायर, ठीक ना, 8 का रूट पॉसिबल है क्या, डेसिमल में आएगा, परफेक्ट नंबर नहीं आने वाला है, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बच्चों, अरे द नंबर विच हैव अ कंप्लीट रूट बच्चों, लाइक 25 का रूट है, यस 5, सो 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 36 का रूट है, यस 6, सो 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बच्चों, जिसका कंप्लीट रूट मिलता है बच्चों विदाउट एनी डेसिमल्स पार्ट, इट नॉट एनी फ्रैक्शन, तो उसको बोलते हम लोग परफेक्ट स्क्वायर, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बच्चों, सो व्हाट बच्चों, 16 तो इवन नंबर है, 8 ट्रू है बच्चों, एंड 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, वो फॉल्स है बच्चों, और एंड में क्या था बच्चों, ऑल ट्रू, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू करने का, तो क्या आएगा फॉल्स, सो ट्रूथ वैल्यू फॉल्स, ओके बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में लिखो ट्रू, आई मीन जो भी है ट्रू फॉल्स है, तो और सेकेंड एंड बच्चों एंड में कोड वर्ड अपना है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स आंसर है, ओके, क्या है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स और 6 हैज अ 3 प्राइम फैक्टर्स, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट
और 6000 थ्री प्राइम फैक्टर, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों, ए बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 10x 15 याद है, ए दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों, हैज टू डिस्टिंक्ट रूट बोल रहा है, बोला इसके दो वैल्यू हमेशा आते हैं, टू डिस्टिंक्ट रूट, ऐसा कोई जरूरी नहीं बच्चों, समटाइम्स के सेम रूट्स भी आते हैं, ओके ना, ओके रिमेंबर, कुछ याद करो बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac याद है कुछ, डेल्टा 10th में डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इफ द डेल्टा का आंसर पॉजिटिव रहेगा बच्चों, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0, इट इज अ टू डिफरेंट रूट्स, इफ डेल्टा का आंसर जो एग्जैक्टली 0 आएगा बच्चों, इट इज अ सेम रूट्स, दैट इज वन रूट, अगर डेल्टा का आंसर लेस देन 0 आता बच्चों, इट इज अ नो रूट, 10th का कुछ रूल याद है बच्चों, तो डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इफ द डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 बच्चों, इट इज अ टू डिफरेंट रूट, तब याद है, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों ए, इधर क्या दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ टू डिस्टिंक्ट रूट्स, ए थ्री पॉसिबिलिटी बेटा, समटाइम 2 भी रहेगा, अगर डेल्टा इक्वल टू 0 तो समटाइम 1 भी रहेगा बच्चों, एंड अगर डेल्टा लेस देन 0 रहता तो नो रूट्स भी पॉसिबल बच्चों, इट मींस दैट द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बच्चों, ओके सो सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मे हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स और इट मे हैव ओनली वन रूट और इट मे हैव नो रूट्स, ओके बच्चों ये दोनों ऑप्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स भी होते हैं और उसके वन रूट भी आ सकते हैं बच्चों, दैट इज सेम रूट और इट मे हैव अ नो रूट एट ऑल, सो दैट इज अ फॉल्स, फिर क्या बोला, 6000 थ्री प्राइम फैक्टर बच्चों, थ्री प्राइम फैक्टर देखते हैं हम लोग, 6 का फैक्टर निकाल दो बच्चों, 6 का फैक्टर कैसे निकाल, 3 × 2 × 1 कर सकते बच्चों, 3 × 2 = 6 यस 3 × 2 = 1 देख लो बच्चों, 3 क्या है प्राइम नंबर है, 2 क्या है प्राइम नंबर है, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है बच्चों, हियर 3 and 2 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर, बट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ओके बच्चों नंबर, तो सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हैज डिस्टिंक्ट रूट मतलब टू रूट्स, मे हैज वन रूट्स और मे हैज नो रूट्स, 6 का फैक्टर निकाला बच्चों तो 3 × 2 × 1 आ रहा है, तो इसमें 3 और 2 तो प्राइम नंबर है बच्चों, कल मैंने 1/1 में बोला था बच्चों प्राइम नंबर के बारे में, तो 3 and 2 इज अ प्राइम नंबर, ओके फैक्टर्स, देखिए 1 को प्राइम नंबर नहीं बोलते बच्चों, बट ये प्राइम नंबर बच्चों एनी नंबर विच इज डिवाइडेड बाई इट सेल्फ, कोई भी नंबर खुद के टेबल में आता है बच्चों तो बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 याद है बच्चों, ये सब प्राइम नंबर है, के हिंदी बोलते अभाज्य संख्या, जो खुद के टेबल में आना चाहिए दूसरे टेबल में नहीं, तो चलो बच्चों इसके हिसाब से बताओ बच्चों क्या आएगा, फिर इधर दिया क्या, इसके टू रूट होते हैं, नो इसके दो रूट नहीं, 1 भी होते हैं 9 भी होते हैं, तो इसका तो गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है, और दिया बच्चों और इधर बोला 6 के 3 प्राइम फैक्टर, 6
सिक्स के खाली दो ही प्राइम फैक्टर हैं बच्चों, थर्ड वाला नहीं है, ते भी फॉल्स है। एंड का कोडवर्ड क्या था बच्चों? ऑल ट्रू। बस और का क्या बच्चों? ऑल फॉल्स। तो आंसर क्या है बच्चों? फॉल्स। ट्रूथ वैल्यू फॉल्स, कोडवर्ड फॉर और ऑल फॉल्स। इसमें था बच्चों ऑल ट्रू, सब टी एंड टी तो भी उन्होंने लिखती टी बच्चों, ऑल ट्रू। इसमें ऑल फॉल्स बच्चों, बच्चों 1.2 का लास्ट क्वेश्चन। द हिमालयाज आर द हाइएस्ट माउंटेन्स बट दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट। द हिमालयाज आर द हाइएस्ट माउंटेन्स बट they are part of India in the northeast। चलो अभी क्या बच्चों? हिमालयाज आर द हाइएस्ट माउंटेन्स, ये है बच्चों। हिमालय सुने हो बच्चों या माउंट एवरेस्ट सुने हो या, तो माउंट एवरेस्ट क्या बच्चों? हिमालय का एक पार्ट है, तो दैट इज हाइएस्ट माउंटेन्स, ये दैट इज ट्रू। और दे आर द पार्ट ऑफ आवर नॉर्थ ईस्ट। अरे पूरा हिमालय किधर तक बच्चों? पूरा नॉर्थ से लेके पूरा नॉर्दर्न ईस्ट तक बच्चों, पूरा स्प्रेड है। And they are the part of our northeast। Okay। अब लिखिए बच्चों उधर जो highest mountain है, और वो बोल रहा क्या है यहाँ पे दो सेंटर क्या है? जो हिमालय है वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। यस ट्रू। ओके तो हिमालय आर द हाइएस्ट माउंटेन्स, यस ट्रू। बट है बट यानी एंड बच्चों। दे आर पार्ट ऑफ आवर इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट, यस दे आर पार्ट ऑफ। हिमालय पूरा बच्चों इंडिया के जम्मू कश्मीर से लेके सिक्किम अरुणाचल प्रदेश मालूम बच्चों, वहाँ तक पूरा हिमालय है। जम्मू कश्मीर क्या पाकिस्तान के आगे, अफगानिस्तान का जो बाउंड्री बच्चों वहाँ तक भी है। काराकोरम सुने हो, वो आगे तक भी है बच्चों। तो रिमेंबर, तो हिमालय पूरा अफगानिस्तान के बाउंड्री से शुरू होकर बच्चों हम लोग के अरुणाचल प्रदेश तक पूरा फैला हुआ है। ये तो इंडिया के हुआ, उसके उधर लद्दाख बच्चों, ऐसा लद्दाख बोल रहा हूँ, तिब्बत और चाइना के बाउंड्री पे भी है बच्चों, नेपाल में भी है। ओके तो दैट इज ट्रू बच्चों। एंड में एंड में क्या था बच्चों? ऑल ट्रू। ट्रेडिंग क्या होगा बच्चों? ट्रू। ठीक है बच्चों, तो हिमालय इज द आर द हाइएस्ट माउंटेन्स, यस ट्रू। हिमालय में माउंटेन जो है बच्चों सबसे हाइएस्ट है पीक, यस दैट इज माउंट एवरेस्ट। ठीक है बच्चों, पढ़ो ना 8847 मीटर। ठीक बच्चों, फिर के टू इंडिया का है, ये तो नेपाल में है बच्चों, नेपाल चाइना पे माउंट एवरेस्ट। तो हिमालय हैविंग द हाइएस्ट माउंटेन, यस ट्रू। एंड दे आर द पार्ट ऑफ आवर इंडिया नॉर्थ ईस्ट में, यस इट इज़ अ पार्ट ऑफ, दैट इज ट्रू। ठीक है बच्चों, तो हो गया बच्चों अब तो ट्रूथ वैल्यू क्या है इसका? सो इट इज बच्चों 1.2 इज कंप्लीटेड। ओके तो बहुत ईजी बच्चों, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट।